नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है चंद्रकांत ठाकुर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पेंटिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग का स्टाइल है वो कहाँ से कैसे डेवलप हुआ है, और साथ ही देखेंगे जो यहाँ पे पेंटिंग्स के स्कूल है उन पर भी एक नजर डालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात की जाए तो इसका जो विकास हुआ है वो 35 तरह की शैलियों में हुआ है, जिनमें से कुछ है कांगड़ा कलम, मंडी कलम, बिलासपुर कलम, अर्की कलम और कुल्लू कलम। शुरुआती जो दौर था उसमें राजा कृपाल सिंह, जो कि बशौली के थे, और साथ ही साथ राजा छत्र सिंह, ये चंबा के थे, इनकी काफी अहम भूमिका रही है पेंटिंग को संरक्षण देने के लिए। आगे बात करेंगे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग की, तो कांगड़ा स्कूल की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो गुलेर से हुई थी। राजा गोवर्धन चंद, जो उनके समय काल में जो पेंटिंग थी वो काफी इंप्रूव की थी इस समय दौर इनके समय काल के दौरान, और महाराजा संसार चंद थे, इन्होंने भी जो कांगड़ा कलम है उसे संरक्षण दिया था। जो सेंट्रल थीम रहती है कांगड़ा पेंटिंग में वो लॉर्ड कृष्णा और साथ ही साथ राधा की रहती है। बशोली स्कूल की बात की जाए तो ये हिल रीजन में डेवलप होने वाला सबसे पहला स्कूल था, जो कि कृपाल सिंह के समय काल में चरम सीमा पर पहुंच गया था। यहाँ पे लाल रंग जो है वो प्यार को दर्शाता है, नीला रंग बारिश और बादलों का प्रतीक है, और पीला रंग वसंत ऋतु को दर्शाता है। जो सेंट्रल थीम रहती है यहाँ पेंटिंग में बशोली स्कूल में वो वैष्णविज्म की रहती है। इस स्लाइड में बात करेंगे अर्की स्कूल की। जो अर्की स्कूल की पेंटिंग्स होती हैं वो ज्यादातर संबंध रखती हैं कृष्णा, शिव, पार्वती और नायक नायिका से। मेहरचंद और भूपचंद के समय काल में बशोली कलम का यहाँ पे विस्तार हुआ, और बाद के समय में कांगड़ा कलम का। यहाँ पे मैंने आपके साथ कांगड़ा पेंटिंग की इमेज शेयर की हुई है इस स्लाइड में, तो आप देखिए ये कांगड़ा पेंटिंग है जो कि राधा कृष्ण को सेंटर थीम में रख के बनाई जाती है। यहाँ भी गोपियों के संग कृष्ण। तो इस स्लाइड में मैंने जगह दी है इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट को जो कि पेंटिंग की फील्ड में काफी नाम था जिनका। तो सबसे पहला नाम है निक्का का, ये राज सिंह के समय काल में चंबा स्टेट में एक आर्टिस्ट थे। आगे बात करेंगे मनाक्कू और नैनसुख की, ये दोनों भाई थे। इनमें से मनाक्कू जो है वो उन्हें महारत हासिल थी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में, ये महाराजा संसार चंद के समय काल में थे। और मंडी से गुलेर बख्श को भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए गुलेर, जो कि राजा समर सेन के समय काल में गुलेर गए थे। इस स्लाइड में बात करेंगे मियाँ तारा सिंह की और दुर्गा की, तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण और अखंड चंडी मंदिर में दीवारों पर कलाकारियां की हुई हैं। और निकोलस रोरिच, जिन्हें की महारिषि के नाम से भी जाना जाता है, ये रशिया से थे। तो आगे कुछ और नाम है पेंटिंग की फील्ड में, सरदार शोभा सिंह, नौरा रिचर्ड्स, बीसी सन्याल, तो ये कुछ और नाम है पेंटिंग की फील्ड में। जो शोभा सिंह है इनके नाम पे एक आर्ट गैलरी भी है अंद्रेटा में, अंद्रेटा जो कि पालमपुर के पास है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके साथ मैंने यहाँ पे दो पेंटिंग शेयर की हुई है, एक सरदार शोभा सिंह जी के द्वारा बनाई गई है और दूसरी निकोलस रोरिच के द्वारा। काफी खूबसूरत पेंटिंग है दोनों। तो ये था इस वीडियो का अंत, उम्मीद है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में काफी सारी वीडियोज आपका और भी यहाँ पे इंतजार करेंगी हिमाचल प्रदेश रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, अपना और अपने आसपास सबका ध्यान रखें। धन्यवाद।